सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस फ्रेम पे आप लोग दो टाइप की स्टेयरकेस देख पा रहे हैं। पहला, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग स्टेयरकेस देख पा रहे हैं, इस तरीके की स्टेयरकेस को जनरली अपने घर पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो नीचे का पोर्शन है ये है आपका स्लैब। ओके, तो ये है इस स्टेयर की स्लैब। अब दोस्तों, इसका काम होता है जो राइजर और जो ट्रेड होता है, इनमें जितना भी लोड आता है तो इसको ये कैरी करता है। ओके, अब दोस्तों राइट हैंड साइड पे आप लोग जो स्टेयरकेस देख पा रहे हैं, इस स्टेयरकेस पे आप लोग कोई भी स्लैब नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको स्लैबलेस स्टेयरकेस बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इस स्टेयरकेस की राइजर और ये है इस स्टेयरकेस की ट्रेड। ओके, तो दोस्तों जैसे ही आपका राइजर और ट्रेड चलता है, उसके साथ साथ इसके जो पीछे का पोर्शन है वो भी चलता है। ओके, तो इसको हम लोग चेन स्टेयरकेस और फ्लोटिंग स्टेयरकेस और जिगजैग स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जो चेन स्टेयरकेस है ये देखने में भी बहुत बढ़िया होता है, बट इसका जो रेनफोर्समेंट है नॉर्मल स्टेयरकेस से थोड़ा सा ट्रिकी है। तो दोस्तों, इसके रेनफोर्समेंट के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ताकि आप लोग भी आपके घर में इस तरीके की स्टेयरकेस को आसानी से बना पाए। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने चेन टाइप ऑफ स्टेयरकेस की रेनफोर्समेंट की डिटेल्स दिखाए हैं। ओके, तो दोस्तों ये है इस स्टेयर की ट्रेड पोर्शन की शटरिंग, ट्रेड पोर्शन की शटरिंग है, और ये है दोस्तों राइजर पोर्शन की शटरिंग। ओके, तो दोस्तों इधर हम लोगों ने चार हॉरिजॉन्टल बार प्रोवाइड किए हैं, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। ओके, तो दोस्तों इनका जो डायमीटर है ये है आपका 8 mm। तो इधर भी हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किए हैं, इधर भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं 1, 2, 3, 4। ओके, तो दोस्तों जो राइजर पोर्शन है, इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल लिंक प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों जो राइजर पोर्शन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार को कनेक्ट करने के लिए हम लोग लिंक को प्रोवाइड करते हैं, इसको मैंने रेड कलर पे दिखाया है। ओके, तो दोस्तों ये जो लिंक है यही होता है मेन बार। ओके, तो इनका जो डायमीटर है ये भी है आपका 8 mm की, और दोस्तों दोनों लिंक के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो है आपका 6 inch का। तो दोस्तों इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ये आपका होगा 6 inch सेंटर टू सेंटर। ओके, अब दोस्तों जो ट्रेड पोर्शन है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है इसको कनेक्ट करने के लिए भी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लिंक प्रोवाइड किया है। ओके, तो दोस्तों इधर मैंने इसको ग्रीन कलर पे दिखाया है। तो ये भी है आपका 8 mm डायमीटर की, और इनका बीच का जो डिस्टेंस है ये भी है आपका 6 inch सेंटर टू सेंटर। ओके, तो दोस्तों ये था ट्रेड एंड राइजर पोर्शन की रेनफोर्समेंट डिटेल्स। तो इधर मैंने दिखाया है, तो दोस्तों ये है इसका राइजर पोर्शन, और दोस्तों ये है इसका ट्रेड पोर्शन। ओके, तो दोस्तों इधर आप लोग देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, इनका डायमीटर है 8 mm का। ओके, इधर भी है 1, 2, 3, 4 तो ये भी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। अब दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया है, देखिए लिंक। ओके, तो ये है आपका मेन रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों इनका जो डायमीटर है ये भी आपका 8 mm की, और इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये है आपका 6 inch की। ओके, अब दोस्तों जो ट्रेड पोर्शन है इसका देखिए थिकनेस हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं 10 inch का। अब दोस्तों ये है देखिए इसका लैंडिंग पोर्शन। अब दोस्तों लैंडिंग पोर्शन में रेनफोर्समेंट कैसा दिया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये है देखिए टॉप बार,
ये भी है 8 mm की, इनको हम लोग बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड किए हैं। जो टॉप बार है दोस्तों देखिए, इनको हम लोग बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड किए हैं, ये है आपका 8 mm की, ओके। और दोस्तों ये है आपका बॉटम बार, ये भी है आपका 8 mm की, ओके। तो दोस्तों ये भी हम लोगों ने बोथ डायरेक्शन में प्रोवाइड किए हैं। अब दोस्तों जो टॉप बार एंड बॉटम बार है, तो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं 6 इंच सेंटर टू।